मॉर्निंग क्लास डियर स्टूडेंट, क्लास 8 और चैप्टर 1 इसकी एक्सरसाइज हम चल कर रहे हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिया था। आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए नेटवर्क। नेटवर्क के भिन्न भिन्न पार्ट्स को डिस्क्राइब करें, यानी कि उसके बारे में बताएं। तो यहाँ हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने इसके नेम्स ले लिए हैं। पहला पार्ट है NIC, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका उपयोग कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। दूसरा है कम्युनिकेशन मीडिया, यानी कि कम्युनिकेशन बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ये इसके बारे में है। दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक होते हैं वायर्ड और दूसरे होते हैं वायरलेस। यानी कि कम्युनिकेशन माध्यम जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो वायर यानी कि तारों के माध्यम से, और दूसरा वायरलेस यानी कि किसी भी सिग्नल के माध्यम से। तीसरा है हब एंड स्विच, ठीक है। ये नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं जो नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करती हैं आपस में। ये है 4th मॉडल, ये वाईफाई या एनालॉग को डिजिटल या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। पांचवा है कनेक्टर्स, कनेक्टर यानी कि प्लग जो आपस में एक दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क। वायर और वायरलेस नेटवर्क में क्या अंतर होता है, इसको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले लिया है वायर्ड नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल केबल्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर सिग्नल फ्रॉम वन टू अदर कंप्यूटर और डिवाइसेस। इसमें इलेक्ट्रिकल तारों या केबल का उपयोग किया जाता है एक दूसरे कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइसेस को डाटा ट्रांसफर करने के लिए। दूसरा है वायरलेस नेटवर्क, यानी कि ऐसा नेटवर्क इसमें कोई भी तार नहीं होता है। सिग्नल्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिटेड डाटा ओवर नेटवर्क लाइक रेडियो वेव, वाईफाई, ETC। मतलब इसमें सिग्नल का उपयोग होता है डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए, जैसे कि रेडियो वेव हो गए, वाईफाई हो गया, ठीक है, माइक्रोवेव्स होते हैं, ETC। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज दैट ए नेटवर्क यूज। उन टोपोलॉजीज के बारे में बताइए जिसका उपयोग नेटवर्क में होता है। तो सबसे पहले बस टोपोलॉजी है। इन दिस ए सिंगल वायर इज यूज कॉल्ड बस विद मल्टीपल पॉइंट्स इज इम्प्लाइड। मतलब इस टोपोलॉजी में एक सिग्नल वायर का उपयोग होता है जिसको बस कहते हैं, और उसी में कई सारे पॉइंट्स जुड़े हुए होते हैं। दूसरा है स्टार टोपोलॉजी। इन दिस ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब कॉल्ड ए सर्वर। इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं जिसको हब कहा जाता है, और जो नेटवर्क होता है उसको क्या कहते हैं, सर्वर। थर्ड वन है रिंग टोपोलॉजी। दिस टेक्नोलॉजी यूज मल्टीपल लिंक्स टू फॉर्म ए लूप ऑफ ए कंप्यूटर्स। इस टेक्नोलॉजी में कई सारे पॉइंट्स या लिंक्स होते हैं जिसकी मदद से एक लूप ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर्स का एक रिंग प्रकार का या गोला प्रकार का नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। फोर्थ वन है ट्री टोपोलॉजी। दिस टोपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। यह टोपोलॉजी बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन यानी कि जोड़ होती है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई इज द सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क इज नेसेसरी, डिफाइन टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। मीन्स नेटवर्क की सुरक्षा क्यों जरूरी है, आगे जो दिया हुआ है दो प्रकार की जो सुरक्षा होती हैं उनको बताइए, उनके बारे में बताइए। तो आंसर है, द सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क इज नेसेसरी बिकॉज। नेटवर्क की सुरक्षा जरूरी है क्योंकि आवर नेटवर्क नीड्स टू बी सिक्योर्ड, क्योंकि नेटवर्क को इस डाटा सिक्योर करने की आवश्यकता पड़ती है, सो डैट नो वन कैन डिस्ट्रॉय और डैमेज द डाटा को